स्टॉक मार्केट में तभी प्रॉफिट होता है जब हम अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, और अच्छी कंपनी को पहचानने के लिए उनमें से बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। उनमें से एक है EPS, जिसे हम अर्निंग पर शेयर कहते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में EPS के बारे में जानेंगे। EPS क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कितने तरह का होता है और इसका क्या यूज़ है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और अच्छे स्टॉक पहचानने के सिंपल प्रोसेस को अच्छे से समझें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्टॉक सर्टिफाई। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए जानते हैं EPS क्या होता है। तो दोस्तों, अर्निंग पर शेयर एक नंबर होता है जो ये बताता है कि फिक्स इंटरवल टाइम में कंपनी अपने अर्निंग शेयर पर कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाती है। दोस्तों, इन्वेस्टर के लिए EPS बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है जो कंपनी की अर्निंग पावर को बताता है, और जिस कंपनी का EPS जितना ज्यादा होता है उस कंपनी की शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। आइए देखते हैं EPS कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी इंटरवल में EPS निकालने का फॉर्मूला होता है उस इंटरवल का नेट इनकम माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इन दैट इंटरवल। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंपनी का नेट इनकम फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ है और कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में 5 रुपीज़ प्रीफर्ड डिविडेंड दिया है और इसी इंटरवल में कंपनी की एवरेज आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर 10 करोड़ है, तो दोस्तों इस कंपनी का EPS फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा 100 करोड़ माइनस 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ यानी कि 9.5 करोड़। यानी कि ये ध्यान रखने वाली बात है कि किसी कंपनी को प्रीफर्ड डिविडेंड देने का ऑब्लिगेशन नहीं होता है, इसलिए बहुत सारी कंपनी के प्रीफर्ड डिविडेंड नहीं होता है। और ऐसे में EPS निकालने के लिए हम सिंपल कंपनी के नेट इनकम को एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी कंपनी को प्रीफर्ड डिविडेंड ना देना हो तो कंपनी का EPS हो जाएगा 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ यानी कि 10 रुपीज। दोस्तों, EPS का फॉर्मूला हम देख सकते हैं कि एक कंपनी के EPS का उसके आउटस्टैंडिंग शेयर से इनवर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब है कि अगर कंपनी की आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ेंगे तो कंपनी का EPS घटेगा, और अगर कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर घटेंगे तो कंपनी का EPS बढ़ेगा। दोस्तों, अक्सर कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है और मार्केट में उनके टोटल कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो जाते हैं और इसी वजह से EPS बढ़ जाता है। लगातार सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ESOP और बड़े इन्वेस्टर को वॉरेंट और कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज इशू करती है, और जब भी EPS और कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज को कॉमन शेयर में कन्वर्ट किया जाता है तो कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ जाते हैं और इसी वजह से EPS घट जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर अक्सर नॉर्मल EPS को ध्यान में रखकर डायलूट EPS को भी कैलकुलेट किया जाता है। डायलूट EPS में हम नॉर्मल आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ सारे टाइप के कन्वर्टेबल शेयर्स भी कंसीडर करते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर किसी कंपनी का नेट इनकम फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ है और कंपनी ने इसी फाइनेंशियल ईयर में प्रीफर्ड डिविडेंड 5 करोड़ रुपीज़ का दिया है और इसी इंटरवल में एवरेज आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर 10 करोड़ है और साथ में टोटल कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज 2 करोड़ है, तो दोस्तों ऐसे में EPS हो जाएगा EPS इज इक्वल टू 100 करोड़ माइनस डिविडेंड 5 करोड़ डिवाइडेड बाय कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर्स 10 करोड़ प्लस 2 करोड़ कन्वर्टेबल शेयर्स यानी कि 7.92 रुपीस, और इसी केस को हम डायलूट EPS कहते हैं। आइए अब हम EPS के यूज के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपने देखा है कि EPS कंपनी की अर्निंग पावर को बताता है। अक्सर इन्वेस्टर हाई EPS वाली कंपनीज को पसंद करते हैं। साथ ही EPS का यूज PE रेशियो कैलकुलेट करने के लिए होता है। तो दोस्तों, ये ध्यान में रखें कि एक साल का EPS कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि एक साल में कंपनी किसी भी वजह से प्रॉफिट कमा सकती है और इसी वजह से कंपनी का EPS ज्यादा हो सकता है। EPS का यूज तभी हो सकता है जब हम कंपनी के 3-5 ईयर्स का EPS देख लेते हैं, और अगर एक कंपनी लगातार अपना EPS बढ़ा रही है तो हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो EPS के ऊपर। हमने आज जाना है कि EPS क्या होता है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके यूज क्या है और ये कितना तरह का होता है। और अगर ये आप इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।